Dear student, good morning to all of you. Today I am going to start my second lecture is matter, और ये class 3, 4 और 5 के लिए है. matter मतलब क्या होता है? matter मतलब होता है पदार्थ. जो भी चीज हमें दिखता है वो पदार्थ है, matter है ना. तो उसमें matter, what is matter, matter क्या है? तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जिसमें वजन है, वो सभी क्या है? मैटर है ना. और मैटर बना किससे है? तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. छोटे छोटे कणों से बना है मैटर, है ना, जो देखा नहीं जा सकता है. मैटर इज मेड अप टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो मैटर क्या है? जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है वो सभी मैटर है. और उसका डिफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, अब इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर. सेकेंड क्या है? लिखा है स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था. तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट. मैटर जो है 3 रूप में पाया जाता है. सॉलिड, सॉलिड मतलब होता है ठोस, लिक्विड मतलब होता है द्रव, और गैस मतलब हवा या वायु कह सकते हैं. गैस को गैस भी कह सकते हैं. तो सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस मतलब हवा या वायु. तो ये 3 रूपों में ही मैटर पाया जाता है. ठीक है, तो अभी जैसे हमने एक पेन लिए हुए हैं, तो ये क्या है? तो सॉलिड है ना. सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड जो है स्थान घेरते हैं, उसका वजन जो है निश्चित होता है, सेम स्थान घेरती है चाहे वो कहीं भी रखे. लिक्विड भी क्या है? लिक्विड जो है फ्लो करता है, बहता है, और गैस भी बहती है और बाकी दिखाई नहीं देती. हमने इसीलिए लिख दिया दूसरे नंबर, तीसरे नंबर में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर. हमने पता ही दिया है कि मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मैटर बना है. तो अब मॉलिक्यूल्स का इन पदार्थ में, इन मैटर में किस प्रकार से अरेंज किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है मैटर को मॉलिक्यूल्स में. तो सॉलिड का मैटर, सॉलिड जो है मैटर, उसमें मॉलिक्यूल्स कैसे पैक है, तो हमने लिखा है या बुक में आप पढ़ेंगे भी कि लिखा हुआ है या होता भी है, द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड. सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, टाइटली मतलब एकदम गेट टू गेट टुगेदर, एकदम स्ट्रक्चर में होते हैं, कोई भी गैप्स नहीं होता है. ठीक है, सेकंड मैंने लिखा है लिक्विड. देयर इज द इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सो दैट दे कैन मूव फ्रीली. ये क्या है? यहाँ पर ये जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है, पार्टिकल्स जो है, उनके बीच में गैपिंग होती है, और इसी वजह से क्या करते हैं? मूव करते हैं. जैसे कि पानी आप गिरा दीजिए. वाटर क्या है? वाटर तो लिक्विड है ना. वाटर क्या है? लिक्विड है, और लिक्विड फ्लो करता है, ये बहता है. ठीक है, दे कैन मूव फ्रीली. लेकिन लिक्विड क्या है? लिक्विड जो है ऊपर से नीचे की ओर जाता है ना, कि नीचे से ऊपर की ओर बहता है. लिक्विड जो है नीचे की ओर फ्लो करता है. तीसरा नंबर हमने लिखा है गैस. गैस में किस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं? तो द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट विद लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम. ये इस गैस में जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो किस प्रकार से अरेंज होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, जिस वजह से क्या होता है? दे कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन. इसीलिए गैस जो है फ्रीली कहीं पर, कहीं ज्यादा है कहीं पर कम है, इस प्रकार से मूव करती है, फ्रीली मूव करती है. इस अरेंजमेंट के कारण ही मैटर के मॉलिक्यूल्स इन मैटर की वजह से ही ये तीनों ऑब्जेक्ट अपने अपने अवस्था में रहते हैं, और इसी से पहचाने भी जाते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है. हम जान लेते हैं कि ये सॉलिड है. सॉलिड, सॉलिड का एग्जांपल देना होगा तो आप दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं. पेन है, क्लॉथ है, बुक्स है, टेबल है, चेयर है, बेंचेस है, बोर्ड है, एनीथिंग. लिक्विड का एग्जांपल देना होगा तो आप दे सकते हैं एग्जांपल में,
वाटर है, जूस है, ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब कुछ जो है लिक्विड है। गैस, गैस का एग्जांपल, गैस मतलब हवा भी लोग कहते हैं। जैसे गैस का वो ऐसे जब पढ़ाते थे तो कहते थे एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, हवा जो है बहुत सारी गैसों से बनी हुई है। तो इस प्रकार से गैस जो है एयर है ना, ये भी कह सकते हैं। और ये बहुत आपस में दूर दूर अरेंज होते हैं, ठीक है, जिससे इसी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में बैठते हैं। हवा को हमने देखा नहीं है, सबने देखा नहीं, फील करते हैं। जैसे आप अगरबत्ती जला लीजिए, उसकी जो क्या होता है, उसको क्या स्मोक निकलता है, तो पता चलता है कहाँ पर कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे हमें गैस का अंदाजा होता है कि कैसे मतलब पता चलता है कि मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से मूव कर रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैटर। इसके बाद है चेंज ऑफ स्टेट। ये मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, ये जो है स्टेट चेंज करते हैं। पानी जैसे, पानी जो रूप है, वाटर जो रूप है, वो क्या है, मेल्टिंग है, पिघला हुआ है। लेकिन कैसे मेल्टिंग होता है ये भी बताएंगे आपको, लेकिन लिख के, मेल्टिंग है, इवोपरेशन है मतलब वाष्पीकरण, कंडेंसेशन है और फ्रीजिंग है। ये चारों को अभी हम आपको डिफाइन करके समझा रहे हैं। तो अभी बता रहे थे आपको चेंज ऑफ स्टेट है ना, मैटर जो है, मैटर का स्टेट जो चेंज होता है उसके विषय में आपको बता रहे थे, ठीक है। तो पहले हमने लिखा है मेल्टिंग, मेल्टिंग मतलब पिघलना। तो मेल्टिंग रूप में तो वाटर मौजूद ही है, लिक्विड, लेकिन अगर वो सॉलिड रूप में है तो उसे हीटिंग करने पर क्या हो जाता है, वो मेल्टिंग कर जाता है मतलब पिघल जाता है। तो हमने लिखा है मेल्टिंग का डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए सॉलिड इनटू ए लिक्विड, वो प्रक्रिया जिसमें सॉलिड जो है वो जो है द्रव्य में चेंज हो जाता है गर्म करने पर, वो मेल्टिंग कही जाती है। मेल्टिंग मतलब लिक्विड से वाटर, ठीक है, लिक्विड मतलब वाटर पानी करो। दूसरा हमने लिखा है इवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो है गैस में बदल जाता है जब उसे गर्म किया जाता है। जब पानी को आप गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा उसमें से क्या निकलता है, स्टीम निकलता है, भाप, ठीक है। जैसे गर्म दूध होता है उसमें से भी आपने देखा है कि भाप निकलता है, तो किसका रूप लेता है, वो गैसियस रूप है ना, वो वाटर का कौन सा रूप है, गैसियस रूप है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपरेशन है ना। तो गैस, गैस मतलब स्टीम, तो ये बदल के क्या हो जाता है, जब पानी किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो गैसियस रूप में आ जाता है। किसी भी लिक्विड को अगर गर्म करते हैं तो गैसियस रूप लेता है, जिसे स्टीम भी कहा जाता है या गैस कहा जाता है। और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है इवोपरेशन। दूसरा क्लियर हो गया स्टेज ऑफ स्टेट का। तीसरा है कंडेंसेशन, कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस, जब गैस वही जो इवोपरेट करके गैस बना, इवोपरेशन होके गैस बना, और वो गैस जब लिक्विड में चेंज हो जाता है ठंडा होने पर, तो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। मतलब गैस से फिर वाटर लिक्विड में चेंज हो जाना, गैस से लिक्विड में बदल जाना, मतलब गैसियस रूप में है पानी और वो वाटर रूप में चेंज हो जाए, तो वो कंडेंसेशन कहलाता है, मतलब लिक्विड से लिक्विड बन जाना या वाटर, ठीक है। पांच, चौथा नंबर है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब वाटर को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है, और जम के किसका रूप ले लेता है, आइस का। तो इस प्रक्रिया को कैसे याद करें, डेफिनेशन को कैसे याद करते हैं लोग, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए लिक्विड इनटू सॉलिड, वो प्रक्रिया जिसमें लिक्विड जो है चेंज होके सॉलिड का रूप ले लेता है, ठोस बन जाता है ठंडा होने पर, उसे फ्रीजिंग कहते हैं। तो सॉलिड चेंज होकर किसे चेंज होता है, आइस बन जाता है। तो इसका एक मैंने एक सूत्र भी लिख दिया, क्या लिखा है, मैंने लिखा है आइस सॉलिड है ना, बस एरो की तरफ देखिए, मेल्टिंग लिखा ऊपर में, ये पिघल के सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्टिंग होके वाटर बन जाता है। इसे हीटिंग किया जाएगा तो ये वाटर बन जाएगा, और ये अगर इस तरह से एरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा,
और वाटर को फ्रीजिंग करेंगे, ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, मतलब आइस बन जाएगा। फिर दूसरी प्रक्रिया देखिए, यहाँ वाटर और लिक्विड लिखा हुआ है, मैंने लिखा ऊपर में इवोपरेशन, वाष्पीकरण। वाटर जब गर्म किया जाता है, पानी को लिक्विड को गर्म करते हैं जब वाटर को, तो इवोपरेट होके स्टीम में चेंज हो जाता है। स्टीम का स्पेलिंग गलती हो गया ना, स्टीम में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब वही स्टीम को हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, स्टीम मतलब गैस को ठंडा कर देते हैं, तो वो चेंज होके क्या हो जाता है, फिर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया चेंज ऑफ स्टेट, है ना। मैटर किस प्रकार से स्टेट चेंज करता है, तो मेल्टिंग होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और फ्रीजिंग होता है। दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू।